2024 के लोकसभा चुनाव में विदेशी एजेंसियों के द्वारा फंडिंग की बात सामने आई है। ये फंडिंग चुनाव के दौरान खास नैरेटिव बनाने के लिए की गई ताकि चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। इसमें सबसे ज्यादा फंडिंग चीन और इसराइल से हुई है। अमेरिका और यूरोप के देशों से हुई फंडिंग पर अभी जाँच की जा रही है। यूरोप और अमेरिका से फंडिंग की बात को जाँच एजेंसी खारिज नहीं कर रही। इन चुनाव में जो विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग काफी निगेटिव रही और खुलकर चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की गई। कुछ मीडिया को खुलकर फंडिंग की गई तो कुछ को छुपकर फंडिंग हुई। नीचे के स्तर पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जातीय जनगणना, किसानों का मामला हो, इन्हें बांटने के वाले अंदाज में पेश किया गया। लोकसभा चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आएंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आखिर गिनती के बाद पूरे देश को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को भारी जीत मिलते देख बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी। मुंबई में बीजेपी नेता अतुल शाह 10,000 लड्डू बनवा रहे हैं जो लोगों के बीच बांटे जाएंगे। ये लड्डू एक छोटे डिब्बे में दिए जाएंगे जिसमें तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का नारा भी लिखा गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो है 10,000 लड्डू बनाकर उन्हें पैक करने के काम में जो है वो शुरू हो गए। हम आपको बता दें, देखिए कुछ ही घंटों बाद जो है लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 10,000 मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हैं और अब यहाँ पर उन्हें किस तरीके से पैक किया जा रहा है, अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स में जो है वो लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है, जिसे कल सुबह 11 बजे के बाद से ही लोगों में जो है बांटा जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई है और लिखा हुआ है तीसरी बार मोदी सरकार। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं पूरी पैकिंग के साथ जो है इसे बनाकर तैयार किया गया है। वहीं सारे जो उम्मीदवार हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, राज ठाकरे, सबकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है, यानी कि जितनी भी पार्टियां जो है वो बीजेपी के साथ उपस्थित हैं उन सभी के लोगो जो है वो भी यहां पर लगाए गए हैं। बता दें यहां पर अभी आपको 5 से 6 लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 10,000 लड्डू पैक करने में 30 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं ताकि कल सुबह तक की पूरी जो पैकिंग है वो हो जाए, जिसके बाद कल सुबह 11-12 बजे के बाद से ही बीजेपी के सारे जितने भी कार्यालय हैं उसके बाद इन सारे लड्डुओं को जो है बांटा जाएगा।